इसको अगर ये इस तरीके से आप यूज करते हुए भी अगर आप इसको टैब बनाना चाहें तो ये इस तरीके से टैब भी बनके इस्तेमाल हो जाएगा। इस हालत के अंदर ये 7 जनरेशन हम 52 में ऑफर कर रहे हैं और 8 जनरेशन हम 55 में ऑफर कर रहे हैं। प्राइस से या चीज़ से कवर खोल के अंदर से बोर्ड वगैरह भी मैं चेक करवा दूंगा कि ये सिर्फ हम जो कह रहे हैं कि रिपेयर नहीं हुआ है, वीडियो की हद तक नहीं कि आप बोलोगे हाँ जी वीडियो अच्छी करने के लिए हम ऐसे ही बोल दें। जो 13.5 हज़ार वाला कैटेगरी है वो यही कैटेगरी है। 2 GB इसके अंदर रैम है, 8 GB स्टोरेज है इसकी, 15 इंच की स्क्रीन है इंटेल की, इसके अंदर ग्राफिक्स है, 4 GB रैम, ये 4th जनरेशन है, 4 GB रैम, 750 GB इसके अंदर स्टोरेज है, 14.6 इंच इसकी LED स्क्रीन है, 2 GB की इंटेल की ग्राफिक्स है। ये भी मॉडल बहुत प्यारा और अच्छी कंडीशन में चलने वाला, कंडीशन आप देखना चाहें तो उसकी टॉप से देखना चाहें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में सदर रीगल ट्रेड सेंटर में और ये लैपटॉप की मार्केट है। तो यहाँ 8th फ्लोर पर वाक़ है ये शॉप जहाँ इम्पोर्टेड लैपटॉप हैं तो यहाँ फरोख्त किए जाते हैं। तो आइए मज़ीद आप करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्फा कॉर्पोरेशन से अली शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लैपटॉप का न्यू स्टॉक आया है, कुछ टाइम से नहीं आ रहा था तो इस वजह से वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे थे, अब दोबारा से लैपटॉप का स्टॉक आया है तो सोचा कि आपसे तो शेयर करूं। स्टार्टिंग प्राइस कुछ हमारे पास लो बजट के भी लैपटॉप हैं और कुछ हमारे पास मिड के हैं। मिड वाले जो हैं वो 25,000 से 40,000 के बजट में हैं और इसके ऊपर की कैटेगरी जो है वो तकरीबन 60,000 तक की कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है। नीचे स्टार्टिंग प्राइस पे अगर आप आते हैं नॉर्मल यूज़ के ऊपर अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो फिर वो लैपटॉप 13,500 रुपये से स्टार्ट है। मतलब यूँ समझें कि कम से कम 13,500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 60,000-60,000 रुपये की कैटेगरी के, इसकी मिड की कैटेगरी आपको लैपटॉप की मिल जाएगी। डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट लैपटॉप हैं। मैं पहले आपको बेसिक वाला जो आपको मैंने बताया मैं वहाँ से आपको दिखाना शुरू करता हूँ। जो 13.5 हज़ार वाला कैटेगरी है वो यही कैटेगरी है। 2 GB इसके अंदर रैम है, 8 GB स्टोरेज है इसकी, 15 इंच की स्क्रीन है इंटेल की, इसके अंदर ग्राफिक्स है। अच्छा, ऐसा है कि ये आप लोग कह रहे हैं कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इसके इसमें क्या काम हो सकता है। होने को इसमें तकरीबन ऑफिस वर्क वगैरह है, होम यूज़ के, यूट्यूब है, ऑनलाइन कोई भी काम करे इसमें हो सकते हैं। जो काम नहीं हो सकता मैं इसमें वो बता देता हूँ कि जो काम नहीं हो सकता। बड़े जो हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इनको प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होती है, तो वो काम इसमें नहीं हो सकते। उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ऊपर की कैटेगरी के ऊपर आना पड़ेगा। बेसिक कैटेगरी जो है ये 13,500 रुपये में हम ऑफर कर रहे हैं। बेसिक कैटेगरी जो है ये है, इसके ऊपर की अगर आप कैटेगरी पर आते हो फिर हम इस एक ये आपको मॉडल मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी कैटेगरी का लैपटॉप है, इसमें 4 GB की रैम है। इसमें हमारे पास 3 वेरिएंट अवेलेबल है, एक 2nd जनरेशन की कैटेगरी अवेलेबल है, एक 3rd जनरेशन की कैटेगरी अवेलेबल है और एक कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है इसी का ही ग्राफिक वाली कैटेगरी अवेलेबल है, जो AMD की ग्राफिक होती है ये वो कैटेगरी अवेलेबल है। AMD का 3rd जनरेशन है और i5 का 3rd जनरेशन है, ये हम ऑफर करें 30,000 के अंदर। बाकी आपके चैनल की तवज्जो से जो आएगा ऑनलाइन, जो मजीद हो सकेगा, जो प्यार मोहब्बत हो सकेगा, बिल्कुल उनके साथ तावन किया जाएगा। 4 GB की रैम है इसके अंदर, 3rd जनरेशन की सीरीज़ है, 4 GB रैम और 500 GB स्टोरेज, 15.6 LED की स्क्रीन है, ओरिजिनल फ्रंट कैम है, कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन आपके बिल्कुल सामने। 4 GB रैम, 500 GB स्टोरेज, कैम, चार्जर, कंप्लीट लैपटॉप है। 2 GB की इसके अंदर ग्राफिक्स है, आप इंटेल वाला ले लें या AMD वाला ले लें, ठीक है। प्रोसेसर 3rd जनरेशन की है, ग्राफिक वाला भी मिल जाएगा AMD का और नॉन ग्राफिक, कोराई 5 भी मिल जाएगा और ग्राफिक वाला भी मिल जाएगा, AMD वाला भी मिल जाएगा। इसका हमारे पास 2nd जनरेशन भी अवेलेबल है, 2nd जनरेशन कोराई 5 के ऊपर जाते हैं तो 2nd जनरेशन हम 26,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। मजीद जो हो सकेगा आपको मिल जाएगा थंबनेल, इसका थंब प्रिंट दिया हुआ है यहाँ पे, अगर कोई यूज़ करना चाहे तो उसका थंब प्रिंट वगैरह भी दिया हुआ है। कंडीशन ओवरऑल आप देख लें, ये कंडीशन बनाई भी नहीं है, जो ओरिजिनल कंडीशन कंपनी से आती है हमारे पास ये वही कंडीशन है। ऐसा नहीं कि मतलब हमने इसमें कुछ किया हुआ है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। बैटरी बैकअप की अगर आप बात करें तो मिनिमम 1 घंटे की हमारी यहाँ पे इसकी चेकिंग वारंटी देते हैं हम, मिनिमम मल्टी मीडिया के ऊपर 1 घंटा चलता, ज़्यादा है 2-2.5 घंटे चलता है, लेकिन मिनिमम हमारी जो गारंटी होती है वो ये गारंटी होती है हमारी, चलता ज़्यादा है। लेकिन ऐसा है कि किसी को बोल दो कि 3 घंटे चलेगा तो वो 2.5 घंटे में भी हमारे पास ले आता है कि आपने बोला था 3 घंटे चलेगा, ये 2.5 घंटे चल रहा है। फिर कुछ बैटरी का यूजेज यूज़र पे भी डिपेंड करता है कि यूज़र बहुत ज़्यादा मल्टी टास्किंग कर रहा है तो ड्रेन बैटरी ज़्यादा होती है, ग्राफिक वगैरह काम कर रहा है या बहुत सारी उसने विंडोज़ खोल के काम कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा बैटरी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, इसके बाद की एक हमारे पास थोड़ा सा एक ये फिजिस्टो कंपनी का लैपटॉप है, टच एंड टाइप टैबलेट वाला लैपटॉप है ये, इस तरीके से टैब भी बन जाता है ये इस तरीके से। अब ये टच एंड टाइप लैपटॉप है, इस तरीके से दोबारा लैपटॉप बन गया, फिजिस्टो कंपनी का लैपटॉप है। तकरीबन ये काफ़ी जैपनीज कंपनी है और 150 साल पुरानी, कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी का लैपटॉप है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे, जो लोग यूज़ करते हैं उनको भी इसका पता होगा, बहुत प्यारा लैपटॉप है।
4 GB की रैम, फिफ्थ जनरेशन का लैपटॉप है, कोर i3 का जनरेशन फिफ्थ है, 4 GB रैम, 250 GB स्टोरेज, टच एंड टाइप, 28,000 रुपये में ऑफर करें, 28,000 के अंदर, जनरेशन फिफ्थ, जनरेशन फाइव वही है, टच एंड टाइप LCDs की, इस तरीके से टच उस वक्त भी काम करेगा और कोई अगर टैब बना के यूज़ करना चाहे तो फिर इस तरीके से काम कर। ये भी अगर जो इसका जो यूज़र है जिसको इसके बारे में पता है तो वो आप देखेंगे तो उनको आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि भाई वाकई में जो यूज़र है इसका उनको आइडिया है कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे से उनको इस चीज़ का पता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ये अदर ब्रांड है ये पता नहीं कैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे चलने वाले लैपटॉप हैं। 10 डेज़ की हम चेकिंग वारंटी देते हैं, 10 डेज़ के अंदर कोई इशू आता है या 10 डेज़ के बाद भी अल्लाह ना करे कोई इशू आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा उसको फेस करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ देते हैं उसको, अल्हम्दुलिल्लाह आता नहीं है इशू, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम अपना 100% चेक करके पीस कस्टमर को सेटिस्फाई करके तसल्ली करके इसको हम इसको दें। अभी असल में ऑन हुआ तो तमाम सॉफ्टवेयर वगैरह इसके आएंगे, बाकी अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको अगर ये इस तरीके से आप यूज़ करते हुए भी अगर आप इसको टैब बनाना चाहें तो ये इस तरीके से टैब भी बन के इस्तेमाल हो जाएगा। मिनट्स चल रहे हैं इसकी, ये इसके सॉफ्टवेयर वगैरह इस पे चल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छी चलने वाला आइटम है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा लैपटॉप है चलने में। ये 28,000 रुपये में हम ऑफर 28,000 में हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिफ्थ जनरेशन कोर i3 का जनरेशन फिफ्थ। अच्छा इसके अलावा और कैटेगरी देखें तो इसके अलावा इसका एक ये और ये 4th जनरेशन की सीरीज़ है, 35,000 रुपये में ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये सीरीज उसके बाद की सीरीज है, ये भी फिजिस्टो कंपनी का 4 GB रैम, ये 4th जनरेशन है, 4 GB रैम, 750 GB इसके अंदर स्टोरेज है, 14.6 इंच इसकी LED स्क्रीन है, 2 GB की इंटेल की ग्राफिक्स है, ये भी मॉडल बहुत प्यारा और अच्छी कंडीशन में चलने वाला, कंडीशन आप देखना चाहें तो उसकी टॉप से देखना चाहें, वेट में भी बिल्कुल लाइट वेटेड है, कोई इसमें ऐसा हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेटेड से अच्छा लैपटॉप है ये। और 35 में अगर आप देखेंगे 35 में आपको एक डेल की भी सीरीज़ मिल जाएगी, यह भी 4th जनरेशन का लैपटॉप है। सीरीज नंबर पर काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, लेकिन एक ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी तो मैक्सिमम जितना हो सकता है जल्दी मैं जितना कवर कर सकता हूँ मैं उतना कवर। इसमें भी 4 GB रैम, कोर i3 है, इसके अंदर कोर i5 मिल जाएगा, कोर i3 मिल जाएगा, हाँ, 4 GB रैम, 500 GB स्टोरेज। अच्छा इसके अलावा आगे चलते हैं और मैं आपको और भी उसके अंदर दिखाऊं। अच्छा इसके बाद की हमारे पास जो कैटेगरी है वो है हमारे पास AMD की कैटेगरी, 4th जनरेशन की, वो जी सीरीज़ है, वो अभी लेटेस्ट मशीनें चल रही हैं, ये कैटेगरी है। अच्छा ये ग्राफिक सीरीज़ है, ये अगर कोई प्रोफेशनल काम करने वाला है, ग्राफिक का काम करने वाला है उसके लिए, या कोई गेमिंग वगैरह से रिलेटेड काम करने वाला है तो ये गेमिंग वगैरह के लिए भी अच्छी सीरीज़ है। 4 GB की रैम, 4th जनरेशन का लैपटॉप है, 4 GB रैम, 500 GB स्टोरेज, 15.6 LED स्क्रीन, 2 GB की इसके अंदर ग्राफिक्स है, इसको अगर रैम कोई अगर इसकी एक्सटेंड करवाता है तो उसकी ग्राफिक मजीद इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि AMD जो है वो रैम से भी शेयर करता है, कार्ड जो होता है वो कार्ड फिर रैम से भी शेयर करता है, तो कार्ड से तकरीबन इसकी ग्राफिक्स 8 GB रैम पे 4 GB हो जाएगी, इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो आपको जो मैंने 30,000 वाली कैटेगरी बताई वो भी मैं कर सकते हैं, इसमें अगर आप देखा जाए तो ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल किस्म का लैपटॉप है, इसमें आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइन, कोई भी बड़ा काम अगर आपने करना है, फोटोशॉप वगैरह के जो एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े 70-70 GB के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो पूरी एक फाइल होती है उनकी, तो उस तरह के जो अगर आप काम करने वाले हैं तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि असल में प्रोफेशनल काम करने वाले होते हैं तो फिर ये उस लेवल की सीरीज़ है। और ये हम ऑफर कर रहे हैं 40,000 के अंदर, 40,000 रुपये में ऑफर कर रहे हैं, इसका जनरेशन हमारे पास 7 भी अवेलेबल है और इसका हमारे पास 8th जनरेशन भी अवेलेबल है, लुक लाइक ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही होता है ये, अब ये इसका 7th जनरेशन अगर आप देखें तो इसका 7th जनरेशन ये लैपटॉप है, इसका अगर 7th जनरेशन देखें HP के लैपटॉप का कैटेगरी, अब लुक लाइक देखें बिल्कुल ऑलमोस्ट ये सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो होगा, बाकी आप इसका देखें बिल्कुल सेम है। इसमें भी 8 GB की रैम है इसके अंदर 7th जनरेशन और 8th जनरेशन में, 8 GB की स्टोरेज। अच्छा DDR4 की रैम है, DDR3 नहीं है, DDR4 है, DDR4 के लैपटॉप हैं ये,
8 GB रैम, 500 GB स्टोरेज, इसमें कोई अगर SSD लगवाना चाहे, अपग्रेड करवाना चाहे तो बिल्कुल SSD कस्टमर की डिमांड के ऊपर। इस हालत के अंदर ये 7th जनरेशन हम 52 में ऑफर कर रहे हैं और 8th जनरेशन हम 55 में ऑफर कर रहे हैं। प्राइस से या चीज़ से, कवर खोल के अंदर से, बोर्ड वगैरह भी मैं चेक करवा दूंगा कि ये सिर्फ हम जो कह रहे हैं कि रिपेयर नहीं हुआ, ये वीडियो के हद तक नहीं कि आप बोलोगे हाँ जी वीडियो अच्छी करने के लिए हम ऐसे ही बोल दें। एक दफ़ा कस्टमर आए यहाँ पे, एक दफ़ा विजिट करें, क्योंकि इसके घर बैठ के कमेंट कर देना कि महंगा है या सस्ता है या अच्छा है या बुरा है, बहुत आसान होता है। एक दफ़ा मार्केट विजिट करेगा, जब यहाँ आएगा, चीज़ देखेगा, चलाएगा, कंडीशन देखेगा, तो उसके बाद ज़्यादा हम इसकी 10 दिन की चेकिंग वारंटी देते हैं, 10 दिन के हम इसके। वैसे तो यार पूरा रेडी पीस होता है, हम यहाँ से कस्टमर जब आता है पूरा चेक करके देते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी भी हमारी अवेलेबल है, कराची में कैश ऑन डिलीवरी है। कराची के बाहर अगर किसी को चाहिए तो फिर उसके लिए पेमेंट हम पहले लेते हैं, क्योंकि कराची के बाहर हमारी कैश ऑन डिलीवरी सर्विस नहीं है। 8 GB तो ऑलरेडी रैम इसके अंदर लगी हुई है। अब 2 स्लॉट्स होती हैं, अगर आप इसको मजीद इंक्रीज़ करवाना चाहें तो 2500-3000 रुपये की इसकी DDR4 की रैम है, वो आप इसको मजीद ऐड करवा लें, वो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से SSD है, SSD कोई ब्रांडेड ले रहा है, डिफरेंट प्राइजेज हैं, 4000 की भी, 3800 की भी, 3500 की भी है, 4500 रुपये की भी है, 6500 रुपये की भी है। जैसी जिसको जो चाहिए, जो कस्टमर का बजट है उसके हिसाब से हम इसको लगाते थे। लगने की जगह होती है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर M2 की भी जगह होती है, M2 एक SSD की बात की टेक्नोलॉजी है, जो इसमें इसमें वो जगह भी अवेलेबल है, वो भी कार्ड की जगह दी हुई है, कार्ड वाली हार्ड ड्राइव जो SSD के भी बाद आई है 7 और 8 जनरेशन की सीरीज़ में, वो भी अवेलेबल है। तो अगर वो कोई इसमें भी इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल ईजिली है, इसी का 8th जनरेशन ही मिल जाएगा आपको। इसका मैंने आपको 4 भी दिखा दिया, इसका 7 भी दिखा दिया, इसका 8 भी दिखा दिया। ये इस वक्त हमारे क्वांटिटी में ये स्टॉक आया हुआ है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आपको बिल्कुल हम इसको जो मजीद हो सकेगा आपके चैनल के जो कस्टमर होगा, आपके चैनल का जो आएगा नाम लेगा, तो मजीद जो हो सकेगा मोहब्बत इनके साथ की जाएगी जी। इसमें भी तुमने इसका थंब प्रिंट वगैरह इसका दिया हुआ है। अच्छा थोड़ा सा बस फाइनली ये कि जी जी यहाँ की लोकेशन आप लोकेशन सर हमारी है कि सदर में रीगल चौक बहुत मशहूर है, सब में ही सबको ही पता होगा, सदर बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पे है स्किन हॉस्पिटल, चमड़ा हॉस्पिटल जिसके कहते हैं, चमड़ा हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में ये बिल्डिंग है हमारी रीगल ट्रेड स्क्वायर के नाम से। रीगल ट्रेड स्क्वायर में ऑफिस नंबर 819 आठवां फ्लोर है। 12:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हमारी टाइम है। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको नंबर वगैरह मिल जाएंगे, कोई भी आपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं, कोई डिटेल चाहिए, किसी भी हवाले से कोई भी बात करनी है आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने आपको मिड रेंज भी बता दी है और 60,000, 70,000, 55,000 तक के भी लैपटॉप मैंने बता दिए। इसके मिड में भी बाकी सारी काफ़ी सारी कैटेगरी अवेलेबल है, लेकिन एक एक को कवर करने जाएंगे कि मैं आपको 13:30 वाली भी दिखाऊँ, फिर काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें चार्जर शामिल है, चेकिंग वारंटी वगैरह आपको देंगे, यहाँ से भी चेक करवा के देंगे, प्लस अगर कोई घर बैठे मंगवाना चाहता है तो हम उसको व्हाट्सएप पे पूरी वीडियो बना के उसको सेटिस्फाई करके, और व्हाट्सएप पे भी ये नहीं कि नेट से पिक्चर निकाल के, और ऐसा नहीं, जो आपको पीस भेजेंगे, जो आपके पास पीस जाना है, जो आपको आप जिस पे हमारी बात चल रही है, हम उसी पीस की वीडियो आपको भेजेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो मैंने बनाई है, दिखाया आपको वीडियो में ये वाला और इसका दूसरा कोई मॉडल भेज दिया उसमें स्क्रैचेज हैं, या ऐसा नहीं, जो आपको भेज रहे हैं, क्योंकि ये देखें यूज लैपटॉप है, ये USA के बाहर से अमेरिकन यूज लैपटॉप है, तो ऐसा है कि ये यूज लैपटॉप है, पाकिस्तान में यूज हुए भी नहीं है। पाकिस्तान में जो भी इसका बायर होगा वो फर्स्ट बायर होगा, तो हम उसको पहले व्हाट्सएप पे पूरी ऑनलाइन बायर के लिए बता रहा हूँ कि उसको पूरी तसल्ली करवा के पिक्चर ओरिजिनल जो उसको भेजना है वही वाला, वही उसी पीस को डिटेल सारी बताते हैं, फिर इंटरेस्टेड हो ओके करेगा तो फिर हम उसको डिलीवरी करवा देते हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग में डील करते हैं, बैटरीज चार्जर वगैरह? रिपेयरिंग हमारे पास नहीं होती, इसके अलावा आपके पास चार्जर, हमारे पास चार्जर मिल जाएंगे, हमारे पास इसकी रैम हार्ड ड्राइव वगैरह मिल जाएंगे, डेस्कटॉप की किसी को हार्ड ड्राइव या रैम चाहिए हमारे पास आपको वो मिल जाएंगी, ये चीज़ें हमारे पास, लैपटॉप के चार्जर्स तमाम जितने भी हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे, वो भी कोई अगर मंगवाना चाहे तो वो भी बिल्कुल ईजिली इसमें मिल जाएंगे। हमारे 3 नंबर है सर, 0331-9292462, एक ये यूफोन का नंबर है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, कॉलिंग पे भी अवेलेबल है, और शॉप पे ये नंबर आपको 12:30 बजे से लेकर रात में 9-10 बजे तक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा 0333-387-3393 एक ये हमारा नंबर है, इसके अलावा 0321-2765-705 ये हमारा नंबर है, 3 नंबर हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, इसमें भी आपको जो भी अगर आपको विजिट करना चाहेगा, जब आप फेसबुक व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप विजिट करके कोई किसी लैपटॉप की डिटेल या पिक्चर्स वगैरह देखनी है, वैसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो व्हाट्सएप पे कैटलॉग बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी का व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं होता तो कैटलॉग खुलते नहीं है, बाद लोग कंप्लेन करते हैं, तो उसमें एक फेसबुक से भी हमारे पास देख सकते हैं। प्लस नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो हमसे वॉइस कर दें हमें, या टेक्स्ट कर दें, तो भी आपको डिटेल, तमाम इन चीज़ों की डिटेल आपको प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी।